नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ UPSC सिविल सर्विस IAS प्री का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो आप एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जैसे कि आप देख पाएंगे हर रोज़ एक नई वीडियो। तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। यहाँ आपको डालना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम आप डाल देंगे तो एडमिट कार्ड वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा UPSC सिविल सर्विस IAS प्री एडमिट कार्ड 2022। इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए, हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ देखिए पोस्ट नाम बता रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सिविल सर्विस, और देखिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। तो ये देखिए इसके यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए, हर करके इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ टू डाउनलोड ई एडमिट कार्ड के लिए हर कर देना है। इसके बाद ये देखिए इंस्ट्रक्शन है इसका, तो यहाँ आपको करना है क्लिक हर टू रीड स्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपको यस करना है। ये देखिए सेलेक्ट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन बाय रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर। तो देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। इसके बाद आपको ये कैप्चा डालना है और सबमिट कर लेना है। तो ये देखिए एडमिट कार्ड ओपन हो चुका है। ये देखिए कौन सी पाली में इसका एग्ज़ाम है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, वेन्यू, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए परीक्षा प्रश्न पत्र 1:30 बजे से है, दूसरा 2:30 बजे से है। इसके बाद यहाँ आपको इसके देखने को मिल जाएंगे महत्वपूर्ण अनुदेश, जिसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको किस तरह से इसके लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी UPSC सिविल सर्विस IAS प्री के एडमिट कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।